हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 6 अगस्त को है, बस एक ही दिन हमारे बीच में बचा है, 5 अगस्त। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पूरी उम्मीद है हमें, और अपने जितने भी आपने पढ़ा उसका अच्छे से रिविजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको हमें बतानी थी, तो भाई इस वीडियो में हम बता देते हैं। लास्ट वीडियो है हमारी आपके एग्जाम से जस्ट पहले। हो सकता है कल को नोटिफिकेशन आए तो वीडियो बना, वरना हमें नहीं लगता है कोई नोटिफिकेशन अब आपका आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारा एग्जाम से पहले लास्ट वीडियो रहेगा। बाकी आगे आपकी कैसी काउंसलिंग होगी, स्टेप बाय स्टेप पूरी आपकी काउंसलिंग बताई जाएगी, कैसे आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना, बाकी चीज़ें जैसे भी रहेंगी आपके पूरे बीट के सफर में हम आपके साथ हैं, आप भी साथ बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आपको एडमिट कार्ड के नीचे लिखी गई हैं, वो आप आसानी से पढ़ सकते हो, उन्हें बार बार बताने की कोई भी जरूरत नहीं है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है, बोतल लेकर जानी है, अपना खाना लेकर जाना, दो एडमिट कार्ड लेकर जाने। एडमिट कार्ड पर आपका सेम फोटो रहेगा जो भी यहाँ पर है, भाई फोटो आपका यहाँ पर रहेगा। फोटो अगर नहीं है तो इसी फोटो क्लिक कराइएगा और यहाँ पर उसको निकलवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, भाई आप फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। साइन यहाँ पर आपको अपने वहीं पर करने, एग्जामिनेशन हॉल में करने। ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की हम बात करेंगे जिनकी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, या फिर एग्जाम में हमने खुद देखा है कि वहाँ पर ऐसे बच्चे, स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंड्स हैं, गलतियाँ कर जाते हैं, ठीक है। तो उन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखते हैं कि आपको जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सामान्य ज्ञान भाषा जो अंग्रेजी हिंदी वाला है, भाषा वाला, भाई आपको वहीं चूज करना होगा एग्जाम सेंटर में। तो आपको आपके पेपर पे लिखा हुआ मिलेगा, तो वहाँ पर आपको उसी को अच्छे से चूज करिएगा। जैसे पूरे निर्देश जो वहाँ पर टीचर होते हैं वो लोग आपको निर्देश देते हैं, उससे पहले आप जल्दबाजी में आकर कुछ भी चीज़ें मत करिएगा, ठीक है। भाई जैसा बताते हैं आप वैसा वैसा करते जाइए, पूरे इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे से आपको गोला करना, कोई गोला है तो उसके अंदर अच्छे से पूरा फिल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पेन से, ठीक है, बाहर नहीं निकले। और गोला करते टाइम ध्यान रखिए जो भी आपका नाम वगैरह आप लोग लिखते हैं, ठीक है, नाम के नीचे जो गोला करने होते हैं तो उनको आप अच्छे से देख के करिएगा, क्योंकि अगर मिस्टेक होगी तो वहाँ पर आपका वाइटनर काम नहीं करता है, ठीक है। तो वाइटनर ऐसी चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, जल्दबाजी में नहीं करना, ठीक है। टाइम अच्छा खासा आपके पास रहेगा, 3 घंटे सफिशियंट है पेपर देने के लिए। तो ऐसी गलतियां लोग कर जाते हैं शुरू में, कई लोग, तो भाई आपको छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। आप कहाँ पर थंब इंप्रेशन लगेगा, थंब इंप्रेशन के लिए हमने पहले बताया, आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा, उसमें एक फॉर्म टाइप का कुछ रखा होगा, उसमें इंक होगी, तो आपको उसी पर लगा के करना है। और ये सबको अलग अलग दिया जाएगा, अगर वह नहीं देते हैं तो आप उनसे मांगिएगा, ठीक है, आपको सबको अलग अलग प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। बाकी अपना खाने पान जो आपका बोतल वगैरह पीने की, आप बिल्कुल अलग ले जाइएगा, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बोतल, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आप ले जाएँ डिजाइन वगैरह वाली, तो आराम से जो हमारी नॉर्मल आती हैं ट्रांसपेरेंट बोटल्स, वो आपको लेकर जानी है वहाँ पर, और अपना पानी अलग लेकर जाना है। तो ये बात हो गई आपको एग्जाम को फिल करने की। हमने आपको फिल करने का बताया कि आपको कैसे फिल करना है, वहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी, सावधानी पूर्वक आपको फिल करना है। बाकी आपको जो आंसर शीट मिलेगी, OMR शीट होती है, वहाँ पर आपके 3 लेयर होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे में बस बता रहे हैं जिनमें गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से एडमिट कार्ड के नीचे पढ़ लीजिएगा, और एडमिट कार्ड अपना नया वाला डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आप लोग अपना नया वाला डाउनलोड कर लीजिएगा, नए वाले एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, पुराना है तब भी चल जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नया भी आप लोग कर सकते हैं, 2 रुपये का प्रिंट निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 जो आपको आंसर शीट मिलेगी, उसमें आपका क्या होगा, एक ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पर, सॉरी मार्कशीट नहीं, ये आपका होगा, ठीक है, एक मूल प्रति होगी विश्वविद्यालय प्रति, एक आपकी गोपनीय और एक आपके अभ्यर्थी, मतलब 3 होंगी। इनको जब हम पेपर दे रहे होंगे उस टाइम में बिल्कुल भी अलग नहीं करना है, अगर बाई चांस अलग हो भी गई है तो आप उनसे कहिएगा, वो उसका स्टेपलर वगैरह कुछ लगा देंगे। और ज़रूर से चेक कर लीजिए कि जब आपको मिले तो वो तीनों जुड़ी हुई होनी चाहिए आपस में, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना आपको। जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको ऊपर से उन तीनों को फाड़ना है, एक अपने पास रख लेना, 2 उनके पास सबमिट कर देना। अगर आप अपने आप से नहीं फाड़ रहे तो उनसे कह दीजिएगा, वो अपने आप से ठीक कर देंगे, ठीक है। अपने आप ही सारी चीज़ें, गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती होती है जो आपको एग्जाम से हटा सकती है, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और आपको एग्जाम्स के बीच में हमारे टाइम मिलेगा हमारे लिए थोड़ा सा, उसमें आपको घर का खाना ही खाना, कोशिश करिएगा बाहर के खाने से बचिएगा, ठीक है। और एंट्री आपकी देखिए सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको जल्दी घर से निकलना होगा, ठीक। कुछ के एग्जाम सेंटर्स दूर हैं, 20-25 किलोमीटर दूर है, तो उन लोगों को जल्दी निकलना होगा। एग्जाम सेंटर अच्छे से पता कर लीजिएगा आपका कहाँ पर, सुबह सुबह आपको भटकना सही नहीं रहेगा, तो अच्छे से पता कर लीजिए। 9 बजे से यहाँ पर आपका पेपर है, 9 से 12, तो यहाँ पर 7 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो आप 7 बजे तक हर हाल में पहुँच जाइए, ठीक है। थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो 7:30 तक तो हर हाल में पहुँच ही जाना चाहिए, और थोड़ा सा बैकअप लेकर चलिए, पहले ही घर से निकलिए, कभी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अगर कभी कोई दिक्कत आ सकती है तो इसलिए आप पहले से ही हिसाब से उससे चलिएगा, ठीक है, बाकी दिक्कत नहीं आए, यही सही रहेगा हमारे लिए। तो अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, प्रिपरेशन करिएगा। फ्री वी सर पेपर्स तो हम ऑलरेडी आपको 6 साल के करा चुके हैं अपने चैनल पर, तो उनको करिएगा, उनसे आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। बाकी आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है एक दिन में उसी को रिविजन करिएगा, ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि नया पढ़ेंगे तो पुराना निकल जाएगा। टारगेट आपका 270 होना चाहिए, 270 से नीचे आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। इस टारगेट को फिक्स करिए और अच्छे से दिमाग में बिठाइए और आराम से क्वेश्चन करके आइए। निगेटिव मार्किंग नहीं करनी,
यानी निगेटिव मार्किंग है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को गलत या तुक्का मत लगाइएगा, ठीक है। आपका अपना वाला आंसर बिल्कुल ठीक होगा, आप किसी से पड़ोसी से पूछ के कन्फर्म मत करिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट के कम्युनिटी टैब पर हम डेली क्वेश्चन दे रहे हैं, दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा परसेंटेज वाले जो लोग थे उन्होंने उसी को टिक कर दिया, हालांकि वो गलत थे, ठीक है, वो गलत है तब भी लोग उन्हीं को सही किए जा रहे हैं। तो भेड़चाल नहीं चलना, आपका जो अपने आपने लगाया है भाई आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी, बेसिक चीज़ें, हम सभी ग्रेजुएशन, आप लोग ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं, कुछ लोग लास्ट ईयर में होंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको बतानी है नहीं, बस ये था कि आप लोग अपना पेपर बिल्कुल ठीक से भरिएगा, वहाँ पर ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सअप करिएगा डायरेक्ट, हम टेलीग्राम पर अभी थोड़ी देर के लिए वहाँ पर अपनी चैट ऑन रखेंगे, कल पूरा दिन ऑन रहेगी चैट, वहाँ पर आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत है आप व्हाट्सअप करिएगा, वहाँ पर आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसी साथ हम मिलते हैं आपके एग्जाम्स के बाद, हम हो सकता है शाम के लिए कल आंसर के, मतलब जब भी आपका एग्जाम होगा उसके शाम को आंसर के लिए करा सकते हैं, और उसके बाद आपके काउंसलिंग वगैरह सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे, बने रहिएगा साथ इसी के साथ, और आप बहुत बड़ी अपनी मतलब तैयारी करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है, कोई किसी को नर्वस नहीं होना, आराम से देना पेपर, इतना बड़ा कोई एग्जाम हमारा नहीं है, आराम से आना रोले में एग्जाम देकर आना, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।